हेलो एंड वेलकम टू आईसी हेल्प अकेडमी क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसका हम करेंगे 6 पार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x वाले वैल्यू को एक साइड रखेंगे और जो नंबर है उनको दूसरे साइड रखेंगे, ठीक है। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 को x, 3 जो है एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और थ्री जो है वो वन के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि थ्री एक्स और माय सिर्फ एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। ये दोनों है अंदर, एक्स भी और माइनस वन भी, इन दोनों के साथ क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। थ्री को जब एक्स से करेंगे तो थ्री एक्स, थ्री वन जा थ्री, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, प्लस 7। आगे हम क्या करेंगे, जो एक्स वाले नंबर है उनको एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट उनको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। 8x माइनस, ये प्लस का 3x है, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास x की वो वैल्यू है नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 7, प्लस का 4 है, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 4। 8x में माइनस 3x करेंगे तो 5x इज इक्वल टू प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, माइनस का 4, 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू 0, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x के आगे हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे। एट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई होएगा 0 से, प्लस 4 3 0 माइनस 1 प्लस 7, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 वन ज़ा 3, 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और 3 वन ज़ा 3 प्लस 7, ठीक है। 0 प्लस 4 4 इज इक्वल टू 7 में 3 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के होते ही माइनस का 3 और प्लस का 7 है, प्लस माइनस माइनस 7 में 3 करेंगे तो 4, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करेंगे सेवन पार्ट। एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइव को सीधा इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइव को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर जो है उसको ऐसे रहने देंगे, फोर एक्स प्लस टेन, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर एक्स, और फोर टेन के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, फोर टेन जा फोर्टी, फाइव एक्स इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, फाइव एक्स है ये फोर एक्स है, जब यहाँ पे आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स, अब आएगा एक इज इक्वल टू फोर्टी, फाइव एक्स में फोर एक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू फोर्टी। अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे, एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो एक्स क्या था हमारे पास यहाँ पे, फोर्टी इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, एक्स कितना है हमारे पास, फोर्टी प्लस टेन, ठीक है। फिर हम वैसे ही करेंगे, फोर्टी को क्या कर देंगे, फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू हंड्रेड आ गया इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख देंगे फोर फोर्टी प्लस टेन, ठीक है। टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर फोर्टी के साथ मल्टीप्लाई होएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, ज़ीरो प्लस टेन फोर जा फोर्टी, ठीक है। ये फोर फोर्टी के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, फोर टेन के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, टू हंड्रेड इज इक्वल टू वन सिक्सटी, और फोर्टी कितना जाएगा, टू हंड्रेड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।